अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 8.5 क्वेश्चन नंबर 12। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट डायरेक्टली अबव अ सिटी ए, एक शहर है उसके ऊपर आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ठीक है, यहाँ पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 692 किलोमीटर। ये नीचे शहर है, इसके बिल्कुल ऊपर आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, उसका जो डिस्टेंस है वो है 692 किलोमीटर उस शहर से दूसरे शहर तक का। ये हो गया आपका शहर ए, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द सिटी ए एंड द अनदर सिटी बी इज 400 किलोमीटर। यहाँ पे सिटी ए है, इसके 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिटी बी लोकेटेड है, ठीक है। कितना डिस्टेंस है? 400 किलोमीटर। फाइंड अ मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द सिटी बी फ्रॉम द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये जो सैटेलाइट है, यहाँ से यहाँ तक क्या एलिवेशन एंगल बन रहा है वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आपका हो गया सी, स्मॉल ए, स्मॉल सी एंड स्मॉल बी। आपके पास अभी मौजूद है यहाँ पर परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है, तो आप कौन सा इसमें रोशन यूज़ कर सकते हैं ये आपने फाइंड आउट करना है। तो हम टेन थीटा ही यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस है, तो उसमें जो है हमारा टेन थीटा ही यूज़ होता है। परपेंडिकुलर आपके पास है स्मॉल बी, आपने यहाँ लिख दिया, सी है बेस, ठीक है। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं वैल्यूज, बी आपके पास है 692 किलोमीटर और सी आपके पास है 400 किलोमीटर, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1.73, ठीक है। हमें सिर्फ यहाँ से थीटा फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस टैन को उठा के इधर ले आएंगे तो यहाँ पर आकर ये हो जाएगा टैन इनवर्स। अब हम टैन इनवर्स की वैल्यू निकाल लेंगे कहाँ से, कैलकुलेटर से, ठीक है। जब टैन इनवर्स 1.73 की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 60 डिग्री। सो वी कैन राइट दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द सिटी बी फ्रॉम द आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज 60 डिग्री।